फ्रेंड्स, वेलकम टू योर केपीएस ट्यूटोरियल चैनल। ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ आपका केपीएस ट्यूटोरियल चैनल पर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 8 मार्च को जो डेट है, 8 मार्च आपकी आने वाली है, ठीक है, उसमें आपके मैथ और रीजनिंग और एक एनटीपीसी के लिए टेस्ट होने जा रहा है। उस टेस्ट में जो है आपका मैथ रीजनिंग केपी सर कराएंगे आपको, और उसके बाद में जो है 8 से 9 बजे तक आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास होगी। उसमें जितने भी टेस्ट हो पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे टेस्ट के, वो आपको करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इनके जो टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं कराऊंगा आपको विद सॉल्यूशन। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऑप्शन देने का मौका दिया जाएगा कि हाँ भाई 30 सेकंड या 40 सेकंड, इस तरीके से हमें यहाँ पे वॉच आपकी इस पर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो इतने बीच में आपको आंसर देना होगा। अगर आंसर आप नहीं दे पाते तो उसके बाद तो मैं आपको आंसर दूंगा ही। दूसरी बात, रीजनिंग की जितनी ही प्रॉब्लम हो, अगर उस टेस्ट में आपको ऐसा लगता है कि कहाँ कहीं ना कहीं हमारी एरर आ रही है, मतलब आप लोगों से भी एरर हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, तो आप उसमें कमेंट करके ही बताएंगे कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है इसमें, या फिर ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ये मिस्टेक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा करें। दूसरी बात क्या है, जितनी वीडियो हम ऑफलाइन डालते हैं उन्हें जरूर देखा करें। इससे क्या है, जो हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो आप देखते ही उस चीज को, लेकिन ऑफलाइन वीडियो जो है हम इस पर्पज से डालते हैं कि ताकि आप दूसरा मैटर भी आपको कुछ मिल सके। और क्या है, अभी आप एनटीपीसी की भी डेट बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने बहुत लगेंगे, उसमें ही आपकी जितने भी पेपर है आपके एनटीपीसी के, वो उनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ओके, दूसरी बात जो है, हम ये नहीं कह सकते कि जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है। ओके, तो 8 से 9 आपकी क्या है, मैथ रीजनिंग है, और 9 से 10 जो है आपकी जो साइंस के क्वेश्चन है वो होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।